खटीमा में मन लगो अब निरनु गाँव में राजू चन कुमाऊ में भाज छुआमाऊ में खटीमा में मन लगो अब निरनु गाँव में राजू चन कुमाऊ में भाज छुआमाऊ में छुटी गो पहाड़ माया लो पहाड़ होकर राष्ट्रपति हो सकती है आज हम तो कवि होकर कवित्रियां कवि को लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी में आए हुए हैं जिसमें तमाम स्कूल हैं जिसमें अलक्ष्या पब्लिक स्कूल सराफ पब्लिक स्कूल और थारू इंटर कॉलेज और भी स्कूल्स आए हुए हैं। चलो आइए शहर के सबसे पुराने स्कूल थारू राजकीय इंटर कॉलेज में लगी पुष्प प्रदर्शनी में आइए फूलों का और पेड़ पौधों का आनंद लेते हैं।
अब चलते हैं कविताओं के साथ काव्य गोष्ठी की ओर। मुक्तक जिससे मैं हर कार्यक्रम का आगाज करता हूं, लोगों से मिलने का, इतने गुणी लोगों से मिलने का आज मौका मिला है। मेरा ये पहला मौका है यहाँ पर, और ऐसे मैं कलकत्ता ही रहती हूँ तो वहाँ जाती रहती हूँ मंचों पे, लेकिन ये अपने लोकल एरिया में अपनी जगह अपनी धरती को चूमकर और अपने लोगों के बीच में बोलना एक अलग ही बात होती है। पहले मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन अभी पता चला है कि अपनों के बीच में नर्वस एकदम नहीं। कि जन जन की वाणी, जन जन की वाणी कविता का छंद हो जाए, जन जन की वाणी कविता का छंद हो जाए, हर बाग बाग यहाँ मकरंद हो जाए। मेरी ईश्वर से बस यही दुआ है कि मेरे देश का हर युवा विवेकानंद हो जाए। तो क्या चीज वो छोड़ के गए हमारे लिए, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस धरती से जुड़ी हूँ, कोलकाता से। तो मैं हर मंच पर ये कविता बोलती हूँ। वंशजों से संपर्क है थारू इंटर कॉलेज का, तो द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा है भारत, दोनों तरफ लिखा है भारत, सिक्का वही उछाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मस्तिष्क मेरे जिस्म के हर जर्रे में तुम, मेरी मंजिल के हर दर्रे में तुम, मेरी रहवर भी तुम, मेरी रहवर भी तुम, मेरी रह गुजर भी तुम, मेरी रहनुमा हो तुम, मेरे अंतर मन का गुमा हो तुम, मेरी हसरत भी तुम, मेरी हरकत भी तुम, मेरी हिकमत भी तुम, हिकमत माने युक्ति बुद्धि, मेरी हिकमत भी तुम, मेरी हिम्मत भी तुम, मेरे दिल का एहसास हो तुम, मेरे लिए बहुत खास हो तुम, मेरे खलकती दौलत हो तुम, मिली जो मुझे वो शोहरत हो तुम, मेरी जमी में तुम, पलकों की नमी में तुम, मेरी जन्नत भी तुम, मेरी मन्नत भी तुम, मेरा समा भी तुम, आसमा भी तुम, मेरी पलक का तारा हो तुम, मेरे फलक का सितारा हो तुम, मेरा कर्म भी तुम, मेरा धर्म भी तुम, मेरा दर्द भी तुम, मेरा मरम भी तुम, मेरा शोध भी तुम, मेरा बोध भी तुम, मेरी मित्र भी तुम, मेरी बंधु भी तुम, इन फिजाओं में महकती सुगंध भी तुम, मेरी संधि भी तुम, मेरा द्वंद भी तुम, मेरा शब्द भी तुम, मेरा छंद भी तुम, मेरा व्यवहार भी तुम, मेरा उपहार भी तुम, मेरा उद्गार भी तुम, मेरा आधार भी तुम, मेरा पुण्य भी तुम, मेरा परोपकार भी तुम, मेरी सूची भी तुम, मेरा सरोकार भी तुम। सुलगते अल्फाज कुछ यूं रखूंगी, कल का जला आज रखूंगी। मैं अपनी नारी को प्रतिनिधित्व करते हुए हर रचना है उनको पेश करती हूँ, परंतु आज भी यहाँ हमेशा की भांति पुरुषों की संख्या अधिक है, तो मैं आज अपनी यह रचना सभी पुरुषों को समर्पित करते हुए, आज तुम्हें अस्पताल छोड़कर, आज तुम्हें अस्पताल छोड़कर जैसे ही मैं घर आया, आज तुम्हें अस्पताल छोड़कर जैसे ही मैं घर आया, ऐसा लगा मानो अपना एक हिस्सा मैं कहीं छोड़ आया, ऐसा लगा अपना एक हिस्सा मैं मानो कहीं छोड़ आया। डॉली का इंतजार करती प्यारी सी बेटियां, बैसाखी के आते ही धान की बालियों में धानी हो जाती है धरती, धान की बालियों से धानी हो जाती है धरती, धूप का ताप चेहरे पर पड़कर थोड़ा बेजान कर देता है रूप। जैसा कि सभी को पता है वैसाख में धूप बढ़ने लगती है, धूप का ताप चेहरे पर पड़कर थोड़ा बेजान कर देता है रूप।